Hello everyone, welcome to Maths by Rishi. We are doing revision for term one and we are in the progress stage of doing the topic of application of derivatives. This is one of the doubts that you have given from the NCERT book. It is a solved example in the NCERT book, and this certainly is a good question of maxima and minima. So it also needs a good understanding of the, you know, conic section. Let's see, let me try to help you out with this. So an Apache helicopter of enemy is flying along the curve y is equal to x square plus 7. Okay, fantastic. A soldier is placed at 3, 7, wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. Find the nearest distance. Okay, bahut badhiya. See, how are we going to approach and go about this question? First thing, aise to theek hai, agar aap is tarah ke questions mein sahi tarike se ideas ko plot kar sakte ho to bahut acha rehta hai. To dekho, y एक्सिस x एक्सिस मैंने प्लॉट किया और मैं इसको कैसे देखता हूं, मैं इसको कैसे देखता हूं, y minus 7 is equal to x square. Now, ये फॉर्म मुझे कैसे दिखता है, ये मुझे फॉर्म दिखता है x square is equal to 4ay. ये मुझे फॉर्म ऐसा दिखता है. अच्छा, x square is equal to 4ay है, इसका मतलब ये कैसा होगा, दिस हैज टू बी यू नो काइंड ऑफ राइट वर्ड पैराबोला, है ना, राइट वर्ड पैराबोला. अच्छा, लेकिन इसका जो अभी वर्टेक्स है वो 0.0 नहीं है, ये कितना है, 0.7 है, 0.7 है, तो समवेयर हेयर, राइट, लेट्स से दिस पॉइंट इज 0.7 और ये हमारा ऐसे राइट वर्ड को गया कुछ ऐसा. सो दिस इज द प्लॉट, अभी दिस इज द पॉइंट जहां से ये हमारे पास जा रहा है. ये हमारे पास कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7. ओके, फैंटास्टिक. अच्छा, एक्स स्क्वायर है तो x नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, है यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इसको ठीक करना चाहिए, एंड इट शुड गो अपवर्ड, राइट, ये तो राइट वर्ड पैराबोला होता है ना, जब x स्क्वायर होता है तो अपवर्ड होता है, अपवर्ड है ना, तो ये हमारा कुछ ऐसा जाएगा, राइट, दिस इज द प्लॉट. ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग सर्टेनली इज इम्पॉर्टेंट ऑफ द ग्राफ. 3, 7 अगर हम सोचें तो, अच्छा 3, 7 इधर कहीं पे मान लेते हैं, पता नहीं इस तरफ होगा इस तरफ होगा, रैंडमली लेट्स से यहाँ मेरे पास ये 3, 7 है. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि नियरेस्ट पॉइंट इस हेलीकॉप्टर का, नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, पता नहीं. मान लो ये तुम्हारे पास ए है, राइट, और ये जो तुम्हारे पास नियरेस्ट पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास एच कॉमा के. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एच कॉमा के. तो हमें इस नियरेस्ट पॉइंट से डिस्टेंस बतानी है 3, c की. मान लो ये जो 3, 7 इसको मैं बी कहता हूँ, दैट मीन्स वी नीड टू मिनिमाइज ए बी, वी नीड टू मिनिमाइज ए बी. ओके, व्हाट इज ए बी, ए बी इन दिस केस इज एच माइनस 3 होल स्क्वायर, राइट, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस के माइनस 7 होल स्क्वायर, दिस इज योर ए बी. ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दू, अगर डिस्टेंस मिनिमाइज होगा तो उसका स्क्वायर भी मिनिमाइज होगा, है ना. तो मैं इसके डिस्टेंस को अगर देखू तो मेरे पास कैसा आएगा, दिस वुड, बिकॉज देखो कोई भी आपका जो रिलेशन है, राइट, वो एट दी एंड आपको ध्यान रखना है कि एक्स और वाई में आपको लेके आना है ना, एक जनरल पॉइंट आप ले रहे हो एच कॉमा के, जो कि इसके उस सर्कल इस पॉइंट के ऊपर है. ठीक है, तो आप चाहो तो एच की जगह पे एक्स और के की जगह पे वाई रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, राइट. तो और अगर इस डिस्टेंस को स्क्वायर कर दूँ, मैं अगर ए बी स्क्वायर की बात करूँ तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, एच माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 7 का होल स्क्वायर. ठीक है ना, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते थे. अच्छा, अब समझने की बात ये भी है ना कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे इसका स्क्वायर एच के जगह पे एक्स और के की जगह पे वाई ले लो. तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, अब इसको इस जो ये जो स्क्वायर है इसको मैंने बोला डी, ठीक है, या ऐसा करो डी की जगह ना कैपिटल डी बोल दो, इस डिस्टेंस के स्क्वायर को मैंने कैपिटल डी बोला. तो ये मेरे पास कितना है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर. इस चीज को मैंने मिनिमाइज करना है. अब फंक्शन तो बन गया, लेकिन मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए किसी एक वेरिएबल में होना चाहिए. यहाँ तो एक्स और वाई दोनों है, कोई बात नहीं, ऊपर एक इन्फॉर्मेशन दे तो रखी है, क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व पे होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो वाई माइनस 7 की जगह पे, वाई माइनस 7 की जगह पे मुझे क्या लिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए क्या, हाँ लिख देना चाहिए. तो ये जो वैल्यू है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 7 की जगह मैंने x स्क्वायर लिखा, तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज व्हाट, x की पावर 4. सो दिस इज योर फंक्शन इन x, डिस्टेंस के स्क्वायर का ये मेरे पास एक फंक्शन क्रिएट हो जाता है.
और यहाँ तक हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया तुम्हें मिलेगा। एओडी में, केस स्टडी में क्वेश्चन जब आएंगे तो आई मीन दिस इज वन टास्क विच इज यू नो न्यू फॉर ऑल द क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस यू हैव डिफरेंट टास्क, बट इसके बाद की कहानी हर क्वेश्चन की सेम रहती है। तुम्हें मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, फंक्शन बन गया तुम उसको बस डिफरेंशिएट करोगे, एक्स की वो वैल्यूज निकालोगे जहां तुम्हारे पास डिफरेंशिएटेड जो फंक्शन आया वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो लेट मी डू इट फॉर यू। इफ आई कैलकुलेट डी डैश एक्स, दिस शुड इज दिस इज व्हाट दिस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस थ्री, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट थ्री एक्स क्यूब। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, जीरो से इक्वेट करता हूँ ताकि हमें पता लग जाए भाई नियरेस्ट है या फादेस्ट है, जो भी है वहाँ पे एफ डैश एक्स हमेशा हमेशा वहाँ पे जीरो होगा। तो मैंने देखा तो जीरो से इक्वेट किया तो कितना हो गया, ये आ गया मेरे पास थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब ये माइनस 18 आ रहा है, माइनस 18 कैसे बनेगा, माइनस 18 कैसे बनेगा, 2x है, 3x स्क्वायर है, हो 18 6 और 3 9 और 2, 18 तो नहीं बन रहा यार। चलो कोई बात नहीं, एक बार जरा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 7 आ गया, बिल्कुल सही। और उसके बाद हमने y माइनस 7 की जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखा, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये x की पावर 4 हो गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये हमारे पास है, x कॉमा वाई जनरल पॉइंट है और उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 7 का होल स्क्वायर 3.7। आई थिंक सब कुछ ठीक ही चल रहा है, कोई ऐसी सिली मिस्टेक तो यहाँ तक मुझे ऐसा कुछ, अरे ये 4 होगा ना यार, जब ये डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा ना, x की पावर 4 है, राइट, दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी 4x क्यूब, आई एम सो सॉरी, अरे ये 4x क्यूब है यार, 4x क्यूब, आई एम सो सॉरी, दिस इज 4x क्यूब, ओके, सो 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 करके या प्लस माइनस 1 करके चेक करना चाहिए, मैं 1 रखता हूँ तो ये 0 हो जाता है, यानी कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। क्या मतलब है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो जब कोई भी ऐसा होता है तो मैंने बोला कि भाई हाईएस्ट पावर पे फोकस करो, x माइनस 1 को लिख लो दो तीन बार, है ना, जैसे अभी तीन बार लिख लिया। अब ये क्रिएट करना है तो मैंने इसको 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 4x क्यूब आ गया, अभी कितना आ गया, माइनस 4x स्क्वायर आ गया, तो प्लस 4x स्क्वायर के लिए मुझे क्या चाहिए, प्लस 4x चाहिए। अब कितना आ गया मेरे पास, माइनस 4x आ गया, जबकि चाहिए था क्या, प्लस 2x। तो मैं इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपना काम हो गया। And what do you get? You get x minus 1 into 4x square plus 4x plus 6 is equal to 0. यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा करें 2 और कॉमन ले लेते हैं, है ना, क्रिटिकल वैल्यूज निकल के आ जाएंगी जो भी हो रही होंगी। सो ये 2x square plus 2x plus 3, x की वैल्यू यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, यानी कि x की सिर्फ एक ही रियल वैल्यू आ रही है, वो आ रही है x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 है तो y कितना होगा, यहाँ पे रख दो ना, x इक्वल टू अगर 1 है तो y कितना होगा, y हो जाएगा मेरे पास 8। ठीक है, तो जो पॉइंट है इस कर्व के ऊपर जो इसको सेटिस्फाई करेगा मिनिमम डिस्टेंस को, वो हमारे पास 1.8 होने की उम्मीद है। हालांकि यही हो जाएगा, अभी तो एमसीक्यू में आप ऐसे कर सकते हो, डिस्टेंस यहाँ निकालोगे यू विल गेट द आंसर, राइट। आई स्ट्रांगली बिलीव द आंसर शुड बी 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 और 7 माइनस 8 का होल स्क्वायर 1, तो जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो रूट 5 यूनिट्स का होना चाहिए। ठीक है, द नियरेस्ट डिस्टेंस वुड बी रूट 5 यूनिट्स, बट यस, अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो सर्टनली हमें यहाँ पे डबल डैश एक्स, एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करके देखना चाहिए, और ये हमें देखना पड़ता है कि d डबल डैश 1 दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, ओनली देन इट इज अ मिनिमा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से रूट 5 इसका आंसर होगा, एक बार चेक कर लो, कोई परेशानी है पूछो। ओके, लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एओडी ऑफ असर्शन रीजनिंग टाइप। सो एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, राइट, आई हैड अ डिस्कशन विद वन ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन माय ऑफलाइन बैच, and he was telling me that sir kabhi bhi agar hamara a galat ho gaya
तो फिर इसका आंसर जो है हमेशा डी ही होगा, है ना। तो उसने ऐसा रट रखा था कि अगर ए गलत, मतलब पहला अगर असर्शन गलत हो गया तो हमेशा डी होगा। हाँ, इस केस में तो डी होगा जो यहाँ पे दे रखे हैं, बट डोंट एज्यूम कि एग्जैक्टली सेम इंस्ट्रक्शंस आपको मेन एग्जाम में मिल जाएंगे। दे माइट चेंज इट, राइट। ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, है ना, एक्सप्लेनेशन है तो ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना कि ये इंस्ट्रक्शंस ऊपर नीचे जंबल अप हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो इस तरीके से उसको रटो मत कि हमेशा यही ऐसा होगा, ठीक है। ओके, लेट्स सी। आइए, ये हमारे पास फंक्शन है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 टू इंफिनिटी। ओके, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने का तो सिर्फ एक ही तरीका हमें आता है कि डी वाई बाई डी एक्स देख लो। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास आ रहा है ई रेस टू दी पावर एक्स, एंड यहाँ आ जाएगा माइनस ई रेस टू दी पावर एक्स अपॉन 2, तो रहेगा ही, है ना, बिकॉज कॉन्स्टेंट है। तो ये कितना आ गया, ये तो 0 आ गया। अच्छा, ये 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो ये क्या बोला जाए, है ना, ये तो या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, बट इसके आगे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है इसके बारे में ऐसी कोई जानकारी यहाँ से तो नहीं मिल रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ माइनस एक्स है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे देखता हूँ कि अगर मैं ये जो एफ डैश एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, अगर मैं इसकी क्रिटिकल वैल्यू को यहाँ नंबर पर प्रेजेंट करता हूँ और देखता हूँ क्रिटिकल वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 ही है, बिकॉज 0 पे ही एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। तो मैं ये देखता हूँ कि ग्रेटर देन 1, मान लो मैंने 1 रखा, तो 1 कितना हो गया, ई माइनस ई इनवर्स, राइट। सो दिस सर्टेनली इज वॉट, पॉजिटिव, सो दिस हैज टू बी नेगेटिव। ओके, नाउ वी नो दैट वेन एवर दी डी वाई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव इट इज इंक्रीजिंग, सो यस असर्शन इज ट्रू। ओके, लेट्स लुक इनटू द रीजन, द अदर पार्ट, ई रेस पर एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। इसका जरा एफ डैश एक्स देखा जाए, एफ डैश एक्स देखा मैंने तो ई की पावर एक्स, और ये क्या आ गया, प्लस हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए क्या ये हमेशा पॉजिटिव है, बिल्कुल हाँ, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दोनों ही ट्रू हैं। अब ये सोचना है कि अगर पहला assertion भी ट्रू और रीजन भी ट्रू, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर इन दोनों में आपस में कनेक्शन है तो ए, और अगर आपस में कनेक्शन नहीं है तो भी, ठीक है। तो दोनों रिलेटेड फंक्शंस हैं, राइट, नॉट एग्जैक्टली सेम फंक्शंस हैं बट हाँ रिलेटेड फंक्शंस हैं। तो मैं इसमें ए मार्क करूंगा, आई विल मार्क ए हेयर इन दिस केस, ठीक है, मैं इसमें ए मार्क करूंगा। कोई डाउट है चैट बॉक्स यूज करो, बताओ, अदरवाइज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तो आ ही जाता है तो बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू -2 आर पैरेलल। ओके, तो मैं इसको कैसे देखूंगा, मैं सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स देखूंगा ऑलवेज। कितना है, 7 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल, 11 तो गया, सो दिस इज 21x2। ये कह रहे हैं कि एट 2 एंड एट -2, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज प्लस का 2 रखो या माइनस का 2 रखो, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स सेम आएगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स सेम आया, इसका मतलब कि उसका स्लोप कॉन्स्टेंट है, बराबर है, बराबर है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएंगे। तो क्या ये ट्रू है, यस इट इज ट्रू, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 2 एंड -2 आर इक्वल, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या मार्क करूं, ए मार्क करूंगा, राइट। ये आपस में बिल्कुल रिलेटेड हैं और एक ही बात कह रहे हैं, दोनों ही ट्रू है, तो मैं यहाँ पे क्या मार्क करूंगा, आई विल गो विद ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, ओके, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट दिस। ओके, इक्वेशन के लिए सबसे पहले मैं डीवाई बाई डी एक्स पे फोकस करूंगा, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज ट्वाइस ऑफ डीवाई बाई डी एक्स, ट्वाइस ऑफ वाई डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9, सो व्हाट डू वी गेट, dy by dx is equal to 9 upon twice of y. When you put 1, 1, as that is the point, so the slope is coming out to be 9 by 2. If this is the slope, right, if this is the slope, then what is the equation? The equation is y minus y1 is equal to slope times, which is 9 by 2, x minus x1. कितना हो रहा है भाई? ये हो रहा है 2y -2 इज इक्वल टू 9x -n।
9x के फॉर्म में दे रखा है तो ठीक है भाई, और इधर कांस्टेंट इधर ले आओगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 9x माइनस 2y हो जाएगा। क्या एग्जैक्टली ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है, तो ये क्या है? ट्रू है। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली ट्रू, assertion इज ट्रू। ओके, लेट्स लुक इनटू द रीजन। रीजन क्या कह रहे हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज दिस वेयर स्लोप इज m एंड दिस, यस इट इज आल्सो ट्रू, y माइनस वाई वन एंड सो ऑन। क्या ये आपस में मिक्सड अप है? एग्जैक्टली दोनों सेम बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सेम कह रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? अगेन ए। ठीक है, अगेन ए। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपने कुछ डाउट्स भेजा है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी असर्शन, इफ द मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम्स एट द प्राइस ऑफ दिस, दिस इज द प्राइस, सेलिंग प्राइस ईच, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स इज दिस, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? ये आपका सेलिंग प्राइस है। Then the number of items he should sell to earn maximum profit is 240. Okay, अब ये चेक करना पड़ेगा ना, तो ठीक है, हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट का फंक्शन देखें, है ना, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना होगा? सेलिंग प्राइस इंटू द नंबर ऑफ आइटम्स, एक्स आइटम्स माइनस द कॉस्ट प्राइस, दैट इज कॉस्ट प्राइस, the cost price of x items is this, okay, plus 500. देखो थोड़ा careful रहना है, ठीक है? If the manufacturer can sell x items at a price of this each, right? मतलब ये this is the selling price of each item. तो मैंने यहाँ पे इसको number of items से multiply करा है, ठीक है? और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? Cost price of x items is this. ये total का cost price है, x by 5, ठीक है? तो यहाँ पे each item का cost price नहीं है, ये total का cost price है. ओके, देन द नंबर ऑफ आइटम्स ही शुड सेल टू मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो मैंने प्रॉफिट का एक फंक्शन बना लिया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस का। ये मेरे पास आ गया 5x माइनस x by 5, ठीक है, और माइनस x स्क्वायर अपॉन 100 एंड माइनस 500, ठीक है। तो कितना हो गया? ये हमारे पास हो गया 25 और एक गया तो 24, 24x अपॉन 5 माइनस x स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 500, दिस इज माय प्रॉफिट फंक्शन। मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो कर डालते हैं। तो ये आ गया 24x अपॉन 5, ये x हो गया ना, x चला गया, ठीक है, x इज गॉन, और ये हो गया तुम्हारे पास 2x बाई 100 यानी कि x बाई 50 इंटू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो करते हैं, देखते हैं x कितना आ रहा है। तो x कितना हो गया बताओ? ये हो गया तुम्हारे पास x by 50 is equal to 24 by 5, तो ये 10 से गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 240। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, दिस माइट बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। हाउ डू वी आइडेंटिफाई वेदर द प्रॉफिट इज मैक्सिमम नॉट? तो यहाँ पे एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करा तुम्हारे पास, तो ये माइनस 1 by 50 आ गया, माइनस मतलब क्या है? मैक्सिमम, ठीक है। तो पहली वाली बात क्या है? ट्रू है, ये वाली बात ट्रू है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। और द प्रॉफिट बाई सेलिंग एक्स आइटम्स इज दिस मच, यहाँ पे हमारा इतना प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का तो अपन ने देख लिया ना, कितना आ रहा था? 24 बाई 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 और माइनस 300 दे रहे हैं ये, तो 300 तो गलत बोल रहे हैं, ये 500 होगा, तो ये गलत बोल रहे हैं, ये फॉल्स हो गया। तो अगर ये फॉल्स हो गया और पहला ट्रू हो गया तो क्या मार्क करना चाहिए बताओ? सी मार्क कर दें, सी मार्क करेंगे। तो 56 का क्या मार्क करेंगे बच्चों? सी मार्क करेंगे। आओ चलो, कुछ डाउट्स आपने भेजे, लेट मी चेक दैट। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13 and 25, ओके, लेट मी गेट देम ऑन माय राइटिंग पैड, लेट मी डू इट। ओके, सो हियर इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अस फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट व्हिच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड टू द वाई एक्सिस। सी द अप्रोच to these questions can be a subjective approach and an MCQ approach. So as we have an MCQ paper, first thing is to discuss the MCQ approach. Here in this x square upon 9, y square upon 16, based on the concept of conic sections and ellipse, I realize that this is a vertical ellipse, right? This point is 0, 4, and this point is 0, minus 4. This point is
3 comma 0 and this is minus 3 comma 0. Now when they're asking parallel to the x-axis, I realize that here the tangents would be parallel to the x-axis. So straight away I would say the answer for the first one is 0 comma 4 and 0 comma minus 4. Then parallel to the y-axis, okay, certainly parallel to the y-axis, these are the points, right? So the answer to the second one is plus minus 3 comma 0. I mean, that is how I would be doing it when I get an MCQ question, okay? But yes, in case you are looking for the answer in a subjective manner, then certainly you need to differentiate this, right? You need to differentiate this. Kitna ho jayega? 2x by 9 plus 2y by 16 dy by tx. That is equal to 0. ये आपके पास 6 से इक्वेट किया है और कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इधर जाके ये माइनस 2x बाई 9 और 8 को ऊपर ले जाऊं और y को नीचे ले आता हूं ठीक है ये y है तो ये आ गया माइनस 16x अपॉन 9 बाई y ठीक है अब सोचने की जरूरत ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो dy by dx होता है जब ये parallel to x axis है तो इसका slope क्या होता है zero होता है तो मैं इसको zero कर दूंगा अगर मैं इसको zero करूंगा यानी कि x की value मेरे पास कितनी आ जाएगी x की value zero हो जाएगी तो जब x zero होगा तो y कितना होगा y मेरे पास जब x parallel to y axis है ना ठीक है parallel to x axis sorry parallel to x axis तो अगर parallel to x axis है तो इन सब जगह पे हमारे पास क्या होगा x जीरो हो जाएगा ठीक है ना राइट ओके तो x जीरो हो गया तो y कितना आ गया प्लस माइनस 4 आ गया तो अदरवाइज भी तुम ऐसे देख सकते हो ठीक है और अदरवाइज तो आपको पता लग ही चुका है कैसे जस्ट लॉग इन वन मोर टाइम एंड विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस लॉग इन वन मोर टाइम